हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास सिक्स की साइंस की वर्कशीट नंबर 15 लेकर आई हूँ बच्चों, और जो कि 27 तारीख की वर्कशीट है, ठीक है। और इसकी हेडिंग है बच्चों, भोजन के घटक। ठीक, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। लिखा है अभावजन्य रोग, ठीक है। अभावजन्य रोग कौन से होते हैं बच्चों? सभी पोषक तत्व अधिकतर एक भोज्य पदार्थ से नहीं बने होते, पोषक तत्वों की कमी होती है। जब हमारे शरीर में कोई विशेष पोषक तत्व लंबे समय तक नहीं मिलता, जब हमारे शरीर को कोई भी खाने में कमी रह जाती है ना बच्चों, तो क्या होता है? अभावजन्य रोग हो जाता है हमें, ठीक है। वो क्या होता है? यदि पोषक तत्व की कमी एक या अधिक पोषक तत्व से होती है, बहुत सारी बीमारियां या विकृतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। जब हमें कुछ पोषक तत्व की बहुत लंबे समय तक कमी रहती है, जैसे हम रोज़ चाहे तो अगर हम रोज़ दाल ही दाल खाते रहेंगे या फिर कोई सब्जी खाते रहेंगे, दाल नहीं खाएंगे, तो क्या होता है कि कुछ तत्वों की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होती है, ठीक है। मुख्यतः खनिज लवण और पानी के कारण हमारे शरीर में, यहाँ पर एक टेबल बना के दिया हुआ है, कौन से विटामिन से, कौन से खनिज लवण से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर लिखा है क्रम संख्या एक, विटामिन ए से क्या होता है बच्चों? वर्णाधता, ठीक है। दूसरा है विटामिन B1 से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। फिर विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी, ठीक। इसी तरह विटामिन डी से होता है रिकेट्स। आगे है कैल्शियम, कैल्शियम से होता है अस्थियां या दंतक्षय। इससे क्या होता है? कैल्शियम की कमी से हड्डियां हमारी कमज़ोर हो जाती हैं और दांतों के रोग हो जाते हैं, ठीक है। वाला है आयोडीन, इससे होता है बच्चों घेंगा, ठीक है, गले का रोग हो जाता है, गले की बीमारी हो जाती है। सातवां नंबर पर है लोह, लोह मतलब आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है? आरक्तता, यानी कि खून की कमी हो जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न दिया है बच्चों, उन विटामिन और खनिज लवणों के नाम लिखिए जिनकी कमी के कारण बीमारियाँ या विकृतियों के लक्षण नज़र आते हैं। तो मैं आपको साथ के साथ इसका आंसर बताती रहती हूँ। तो यहाँ पर लिखा है गले की ग्रंथि में सूजन आयोडीन की कमी से होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर लिखा है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो यहाँ पर कैल्शियम आएगा इसका आंसर। तीसरा है वर्णाधता, तो ये किसकी कमी से हो जाता है बच्चों? विटामिन ए की कमी से। दोबारा बताती हूँ, पहले वाले आंसर में लिखना है आयोडीन, दूसरे वाले में लिखना है कैल्शियम, और तीसरे वाले में लिखना है विटामिन ए। इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों को पुनः व्यवस्थित करके उन बीमारियों को पहचानिए जो विटामिन और खनिज लवणों की कमी से या उनके कारण होती हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिखा है रीबे रीबे, तो इसका आंसर क्या होगा? इसको सही से लिख लेना, ये गलत लिखा हुआ है। तो इसका आंसर होगा बच्चों बेरी बेरी, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? बेरी बेरी होगा। ऊपर सारे आपको आंसर सही से लिख के दिखाए हुए हैं, ठीक है। फिर दूसरा है, सेकंड नंबर पे दे रखा है यहाँ पर विर्स्क, ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों? स्कर्वी, ठीक है। तीसरे नंबर पे लिखा है टस्केरी, तो ये क्या होगा बच्चों? इसका आंसर रिकेट्स, ठीक है, इसका आंसर होगा रिकेट्स। और चौथे नंबर पे लिखा है तारक्त अ, ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों? इसका कौन सा आंसर होगा? ये होगा आरक्तता, ठीक है। इसको मतलब उल्टे सीधे वर्ड लिखे हुए हैं, तो आपको करेक्ट करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई आपकी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।